जालंधर में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए जल्द ही नए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा एक्शन लेने जा रहे हैं। इसी के तहत पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों में जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स के बाहर पार्किंग नहीं है, मगर फिर भी कमर्शियल बिल्डिंगों के बाहर वाहन खड़े किए जाते हैं, उन पर पुलिस नगर निगम के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही शहर के सबसे व्यस्त बाजारों में रेहड़ियां फड़ियों की समस्या सबसे ज्यादा आती है। इसके लिए सीपी शर्मा ने कहा कि जल्द ही नगर निगम के साथ मिलकर रेहड़ियों और फड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैन पावर है वो ट्रैफिक पीसीआर जो बताई है, उन दोनों विंग्स को क्लब कर लिया गया है। जी पीसीआर बीट्स हैं वो भी बताई गई हैं, कुछ दिनों जो सुचारू रूप से इंप्लीमेंट हो जाएगा जब चलन लग जाएंगे। तो जिते जिते ट्रैफिक चोक पॉइंट्स हैं, वन वेज हैं, पार्शल वन वेज हैं, या इलीगल पार्किंग्स हैं, इदा की पार्किंग्स हैं जिते जरूरत नहीं है जी, उन्होंने हटाने लिए किया गया। तो लॉलेसनेस अगर है या पिटी क्राइम है जिते जिते, वो रिस्पोंसिबल एसीपीज़ के सचिव को मैं कहा कि यू वुड बी रिस्पोंसिबल।